हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को एग्जाम के बारे में फिक्स आइडिया नहीं है कि नीट और जेई का एग्जाम एग्जैक्टली उसी डेट पर होगा या नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में हमें अभी पता लगा है कि बोर्ड के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो आगे जो एग्जाम है वो होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में अभी हमें कोई फिक्स जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, हम मान के चलते हैं कि वो एग्जाम अपनी यथास्थिति पर उस डेट पर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए कंप्लीट फिजिक्स को डिटेल में तो इतने समय में नहीं पढ़ा जाएगा, तो हम नीट और जेई मेन के हिसाब से कुछ बहुत चुनिंदा टॉपिक और कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ बहुत चुनिंदा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी सेटअप बस स्टार्ट हुआ है, तो अभी एडिटिंग वगैरह या बहुत कुछ चीजें जो है वो होना बाकी है, तो थोड़ा आप लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि बस आप एक बार एडजस्ट कीजिए धीरे धीरे और उसके आगे हम सेटअप को और अच्छा कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बहुत छोटे से टॉपिक से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। बहुत बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन। देखिए, कोई भी चीज है अगर वो घूम रही है तो टी समय में वो ओमेगा टी घूमती है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज जो है वो घूम रही है, तो मैं अगर बात करूं तो टी समय में, देखिए यहां से अगर मैं एंगल बनाने की बात करूं तो टी समय में कितना घूम जाएगी, ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना कोणीय विस्थापन, ठीक है। ये कोणीय विस्थापन जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, ये आपको बताना है। सोचिए, सोच के जवाब दीजिएगा। कोणीय विस्थापन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बताओ वेक्टर है कि स्केलर, हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है। बच्चों, जब ये कोणीय विस्थापन अल्प होता है तो ये सदिश राशि होती है, और जब कोणीय विस्थापन ज्यादा होता है तो ये अदिश राशि होती है। यानी कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता है, स्मॉल वैल्यू होती है, तो वो वेक्टर होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब ज्यादा हो जाता है तो वो स्केलर होता है। देखिए, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं आपके सामने। आप मान लीजिए कि मैं दो वेक्टर के एडिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप मानिएगा कि ये साइड ए है, राइट हैंड साइड में, ऊपर की साइड मान लीजिए बी, ठीक है। दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी, ठीक। इनिशियली दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, अगर कोणीय विस्थापन बहुत अल्प है तो देखिए क्या होगा। इस साइड में ए है, ऊपर की साइड में बी है, और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूंगा। देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देख सकते हैं बच्चों, दोनों के दोनों पहले भी पैरेलल थे और अब भी पैरेलल है। दोबारा देखिए, शुरुआत में समांतर हैं दोनों, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देखिए पहले भी पैरेलल था, अभी भी पैरेलल है, यानी कि वेक्टर कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई। यस, जो इसकी स्थिति है वो वही की वही है। अब आप देखिए कि अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा कर दूं तो, है ना, कोणीय विस्थापन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, कोणीय विस्थापन में ज्यादा कर रहा हूं, शुरू में पैरेलल है, है ना, ए प्लस बी, समझ रहे हैं। वापस देखिए, शुरू में पैरेलल है, ए प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, शुरू में पैरेलल बाद में परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि अब जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो पा रहा है? तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, नीट जेई में कोई नहीं पूछेगा, बट आप इसको थोड़ा समझने के हिसाब से आपको ये मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, मुलाकात होगी आपसे फिर फर्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, दूसरा जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे उसमें आपसे मुलाकात होगी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।